बागपत जिले में पिछले कई महीनों से अपराध बढ़ते ही जा रहे हैं। बेखौफ बदमाश एक के बाद एक हत्या जैसी बड़ी ही सनसनीखेज वारदातों को खुलेआम अंजाम दे रहे हैं, जिससे बागपत जिले में लोग खौफ के साए में जी रहे हैं। पिछले डेढ़ महीने की बात करें तो अकेले छपरौली थाना इलाके में बीजेपी नेता संजय खोखा समेत तीन बड़ी हत्याओं की वारदातें हो चुकी हैं, जिनका आरोप जेल में बंद कुख्यात बदमाश सुनील राठी पर लगा है, जिसके चलते बीजेपी के विधायक योगेश धामा ने SP पर भी गंभीर आरोप लगाए थे। आज एक परिवार जिसके घर का एक बच्चा रोहित नाम के एक युवक की हत्या यहाँ पर पहले कर दी गई थी, मेरे मुझसे आके मिला था। उनके द्वारा ये मुझे बताया गया कि नामजद अक्यूज की अरेस्टिंग उसमें नहीं हो रही है। इस बात को संज्ञान में लेते हुए आज ये 3:30 बजे, जो कि अभी एक घंटे बाद है, मैंने इन्वेस्टिगेटर को पूरी केस डायरी के साथ यहाँ बुलाया है, इस बात को देखने के लिए कि एविडेंस बेस्ड इन्वेस्टिगेशन हो और जो भी उसमें अपराधी हैं वो जेल। उनके लगातार आरोप है कि जो अभियुक्त हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं धमकी दे रहे हैं। यदि किसी प्रकार की उसमें स्थिरता है या पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कोई कमी है तो उसको पूर्ण किया जाएगा, जो सही अपराधी होंगे वो जेल। थैंक यू। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन